नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन मीडिया न्यूज 24 चैनल में। प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज 24 चैनल में। मैं विजेंद्र बर्मन। चलिए आज बात करते हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं एडवोकेट हिमांशु कश्यप जी। कश्यप एकता क्रांति मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जो हम आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है कांग्रेस पार्टी के समर्थन को लेकर, क्योंकि आजकल हम भी देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि हिमांशु कश्यप जो एडवोकेट हैं और कश्यप एकता क्रांति मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं और अपने समाज को एकजुट होकर चलाने का संदेश भी दे रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं एडवोकेट हिमांशु कश्यप जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन इंडिया न्यूज 24 चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुजन इंडिया 24 चैनल का, कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि अभी सुर्खियों में चल रहा है कि हिमांशु कश्यप जी और तमाम कश्यप समाज जो है वो उत्तराखंड के अंदर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहा है, तो ऐसा क्या है सर, और कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने पर पूरा कश्यप समाज एकजुट होकर उतारू हो चुका है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बर्मन जी बताना चाहता हूँ, हमारा जो कश्यप समाज है आपको पता ही है, पहले से ही बीजेपी को वोट करता आया है, लेकिन आज तक हमारे समाज को बीजेपी ने मात्र एक वोट समझा है और छलने का कार्य किया है। आज तक भी हमारे समाज में उत्तराखंड के अंदर हमारे कश्यप समाज को बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया। आज तक भी हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है पार्टी में। हमारा एक मछुआ बोर्ड है वो भी नहीं बनाया, हमारा एक राज्य मंत्री है, हमारा अलग से मछुआ आयोग का मंत्री है, वो नहीं आज तक बीजेपी सरकार ने बना। फिलहाल वर्तमान में बीजेपी सरकार थी, आज तक भी हमारे समाज का ओनली वोट लेने का कार्य किया है बीजेपी सरकार ने। और कांग्रेस सरकार की आपने बात की कि क्यों समर्थन किया है, हमारे हरीश रावत जी ने हमें बुलाया था और सुशील राठी जी थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, और चेतन यादव जी ने, उन्होंने कहा भाई ये बताओ आपकी समस्या क्या है। हमने अपने और कांग्रेस सरकार की आपने बात की कि क्यों समर्थन किया है, हमारे हरीश रावत जी ने हमें बुलाया था और सुशील राठी जी थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, और चेतन यादव जी ने, उन्होंने कहा भाई ये बताओ आपकी समस्या क्या है। हमने अपने समाज की समस्या रखी उनके सामने कि हमारे समाज में कम से कम हमारे 3 राज्य मंत्री होने चाहिए और हमें सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस सरकार ने हमारी ये बात मानी है, हरीश रावत जी ने खुद 2 तारीख में हमारा प्रोग्राम नरेंद्र गार्डन में हुआ था, उन्होंने हरीश रावत जी ने हमारी बात मानी है, उन्होंने हमसे वादा किया है सरकार बनने के बाद आपके 3 राज्य मंत्री और एक मछुआ बोर्ड का हम गठन करेंगे और आपके कम से कम 7 सदस्य जिला पंचायत में आपको टिकट दिए जाएंगे। उसके लिए हमारी जो हमारा एक कश्यप क्रांति एकता मिशन है उसमें मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, हमने अपने संगठन से बात की, हमारे संगठन ने कहा ठीक है हम समाज के बीच जाएंगे, तो हमने अपने समाज से कश्यप समाज से बात की, हमने ये बात ये मैसेज वहां पर पहुंचाया अपने समाज, तो समाज वालों ने कहा ठीक है भाई हिमांशु जी हम आपके साथ हैं, आप जैसा चाहते हो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें, इसलिए मैं समाज के साथ हूँ, समाज मेरे साथ है। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि जिस प्रकार आप तो बता रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर दोबारा से हम हरीश रावत जी को लाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो सरकार है उस सरकार में ही हमारे समाज को मान्यता मिल सकता ही है, सम्मान।